Friends, today I will discuss the anti-telescopic arrangement of conventional coaches and corrosion repair, to some extent of corrosion repair of conventional coaches. I think you have enjoyed my last class. Myself Bishoy Sarkar, once again I am telling you, CTI BTC Mechanical Eastern Railway Delhi. So, what is anti-telescopic arrangement? First of all, we have to know telescopic and anti-telescopic. हम लोग कोई ना कोई टाइम में फोटोग्राफी का किया, एमेचर हो और प्रोफेशनल हो, तो हम लोग को पता है what is telescopic और anti-telescopic. हम लोग एस एल आर कैमरा में क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ को, दूर का चीज़ को देखने चाहते हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेंस निकाल जाते हैं उसका, फिर दूर का चीज़ को हम लोग सामने लेके आते हैं, सामने का चीज़ को कभी दूर में लेके जाते हैं. दिस कॉल टेलीस्कोपिक एंड एंटी टेलीस्कोपिक. सो कोच में भी हम लोग ये एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट, मतलब स्क्वीज होने का अरेंजमेंट भी हम लोग कॉन्वेंशनल कोच में किए थे. अभी तो कॉन्वेंशनल कोच फेज ऑफ हो रहा है, अभी धीरे धीरे एलएचबी कोच भी हम लोग का आ गया है ऑल ओवर इंडिया में. फिर भी हम लोग का एंटी कॉन्वेंशनल कोच अभी भी चलेगा, क्योंकि लास्ट प्रोडक्शन एज करीब हुआ था 3-4 साल पहले लास्ट हुआ था प्रोडक्शन. तो एक कोच का तो टोटल लाइफ 25 इयर्स होता है, तो कम से कम अनदर 15 इयर्स तक चलेगा, 10-15 इयर्स तक चलेगा एक कॉन्वेंशनल कोचेस. फेज आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो जब ट्रेन हम लोग चलाते हैं तो हम लोग का मोटिव क्या रहता है, जे देयर शुड नॉट बी एनी एक्सीडेंट. हम लोग रेल का आदमी कोई नहीं जाता है जहाँ हमारा रेल का कोई एक्सीडेंट हो, क्योंकि इसमें बहुत आदमी का जान भी जाता है, नेशनल लॉस भी होता है, प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है. तो आवर अटमोस्ट ट्राई इज दिस, जे देयर शुड नॉट बी एनी एक्सीडेंट इन इंडियन रेलवे इन ए पर्टिकुलर ईयर और कमिंग ईयर्स. फिर भी कभी कभार हो ही जाता है, कभी हम लोग का ह्यूमन एरर में होता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट में होता है, कोई डिफरेंट टाइप्स का फॉल्ट के लिए हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. तो एक्सीडेंट होने जब होता है तब क्या होता है, तो हमारा ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस भी होता है. तो रिड्यूस द ह्यूमन लाइफ, उसका कम करने के लिए हम लोग एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट किए हैं. क्या है, जब वो हेड ऑन कॉलिशन कभी होता है तब ए एंड पोर्शन ऑफ द कोच, दिस इज ए मॉडल ऑफ एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट हम लोग का लिलुआ का बना हुआ है. हम लोग ये एडिशनल हम लोग स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं कि व्हाट इज एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट. तो एक स्केलेटन हम लोग आपको सामने रखे हैं, तो इसका एक कोच का एंड पोर्शन है, मतलब एंड, उसके बाद एंड का बाद से टॉयलेट हो गया, टॉयलेट आ गया, टॉयलेट पोर्शन एंड दिस द मेन कॉरिडोर जहाँ से हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं. उसके बाद द अनदर कंपार्टमेंट, पूरा कंपार्टमेंट 72 फीट का जो भी है. तो एंड पोर्शन में हम लोग एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट कर देते हैं. व्हाट इज एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट, हम लोग क्या करते हैं एंड में, हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है जो एंड को पकड़ के रखे हैं, ये हम लोग इसको प्रेस स्टील से, मतलब प्रेस एक रोल स्टील से नहीं, थोड़ा प्रेस स्टील से प्रेसिंग करके बॉक्स बना के हम लोग फ्रेम बनाते हैं. क्योंकि प्रेस स्टील कहाँ दिया गया, प्रेस स्टील दिया गया इसलिए दिया गया, ये रोलिंग स्टील से थोड़ा रोलिंग स्टॉक, अगर रोलिंग हॉट रोल होगा व रोलिंग का सेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें. हेड ऑन कॉलिशन जब होगा तो देखा जाएगा दो कोच ऐसे उठ गया, खड़ा हो गया. लेकिन अगर एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये जो थ्रस्ट है ये कम से कम आपका कॉरिडोर तक ये थ्रस्ट आएगा, आके ख़त्म हो जाएगा, मतलब ए कॉरिडोर तक जो हमारा कोच डैमेज होगा. एंड अगर इन लाख कोई टाइम में कॉरिडोर में है और टॉयलेट में है, उसका जान का खतरा है. लेकिन एंटायर जो 72 फीट का जो इनसाइड वाला यात्री लोग हैं उसका लाइफ सेफ हो जाएगा, वो कोच खराब वाला नहीं होगा. तो इसीलिए हम लोग ए
जानबूझ के हम लोग ए एंड सेक्शन को विकेस किया है, जैसे ए टेलीस्कोपिक मतलब एंटी टेलीस्कोपिक मतलब ए स्क्वीज हो जाए, स्क्वीज होके इस पोर्शन तक डैमेज होगा एंड एंटर कोच बच जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्वेंशनल कोचेस। तो यही है मोटा मोटी एंटी टेलीस्कोपिक बात। इस जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कर्लाइन एंड दिस इज रूफ, ये सपोर्ट करने के लिए हमारा रिब है। आपको जानकारी है नहीं है तो आप बोल रहे हैं, ये ICF कोच है, सेल्फ सपोर्टिंग कोच है। ए जो है ए इज नथिंग बट ए हुप, ए सर्टेन डिस्टेंस बाद ए हुप रहेगा, ए रूप का ऊपर में ये हमारा कोच सेल्फ सपोर्ट रहेगा। तो एंड में क्या है, एंड में हम लोग क्या किया, 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर का प्रेस क्वालिटी से स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के एंड बना दिए हैं और पीछे में प्लेट शीट लगा दिया, एंड शीट हो गया। और उसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद है हमारा हेडस्टॉक, दैट इज आउटर हेडस्टॉक इसमें लगा है पीछे, और सामने है इनर हेडस्टॉक इन पार्ट एंड इनर हेडस्टॉक आउटर पार्ट, और इसके बीच में है सेंट्रल प्लेट। ये जो आउटर हेडस्टॉक जो है ये 8 मिलीमीटर का थिकनेस होता है, और इनर हेडस्टॉक जो है ये 10, और सेंट्रल प्लेट जो है 12 मिलीमीटर का होता है। ये सेंट्रल प्लेट का बीच में हम लोग होल डाल देते हैं, क्योंकि अगर कोई जगह में डर्ट डस्ट और मॉइस्चर और वाटर एक्युमुलेशन होगा तो वो सीपेज होकर निकल जाएगा, कॉरोशन काम करेगा। और इसका बीच में रहेगा आपका ड्रॉबर के लिए, इसको बोलता है ये इधर बफर ट्यूब रहेगा, इसका बाद बफर ट्यूब के बाद इधर यॉक रहेगा, यॉक बैकेट, यॉक बैकेट से यॉक एंड ड्रॉबर हुक लगेगा, इधर से निकल जाएगा। और दोनों टाइप में दो बफर ट्यूब है, बफर ट्यूब में बफर लगेगा कुशनिंग द शॉक एंड अदर थिंग्स। एंड ये जो इन पार्ट ऑफ इनर हेडस्टॉक इन पार्ट है, इधर से हम लोग टाफलोर लगाएंगे। एक ज़माना था हम लोग टाफलोर MS का होता था, लेकिन अभी वो पूरा MS का टाफलोर घिस गया, अभी चला गया, हम लोग अभी स्टेनलेस स्टील टाफलोर लगाते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील टाफलोर है इसमें भी होल रहता है टू जो डस्ट एंड डार्क डस्ट एंड मॉइस्चर जो एक्यूमुलेशन कुछ होगा, ट्रैप्ड एयर होगा, मॉइस्चर ट्रैप्ड होगा तो उधर से निकल जाएगा वो। लेकिन ये जो है टाफलोर जो है अभी स्टेनलेस स्टील का हो गया SS का। और ये जो है इसको बोलते हैं कार्लाइन, कार्लाइन का बाद ये पिलर जो आएगा, पिलर इन डिफरेंट लोकेशन नेम इज़ डिफरेंट, नेम इज़ डिफरेंट वाई, पहले जो है ये साइड में है सोल बार, ये 5 मिलीमीटर का सेक्शन होता है, थिकनेस 5 मिलीमीटर होता है, इट लुक्स लाइक ए जेट, लंबा थोड़ा जेट का माफिक होता है ये सेक्शन। ये जेट सेक्शन का साथ इनका वेल्डिंग किया जाता है, दोनों तरफ 5 मिलीमीटर का जेट सेक्शन है एक कॉन्वेंशनल कोच के लिए। लेकिन अभी जो नया कोच बनता है, कोई कोई कोच में हम लोग का 6 मिलीमीटर सेक्शन भी मिलता है, स्पेशली अगर आप देखिएगा VPH गाड़ी और पेंट्रिकर उसमें 6 मिलीमीटर कभी भी आता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर मोल्डिंग, दिस सोलवार से लगा हुआ है कॉन्टूर मोल्डिंग, एंड देन इससे इन साइड पर है पिलर पार्ट, देन पिलर पार्ट ये दोनों होता है, लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड होता है। और उसके बाद आपका आ गया पिलर का वेस्ट ट्रेल कैंट ट्रेल, ऐसा करके ये पूरा पिलर जो लंबा पिलर के साथ एक आपका ये कार लाइन का कनेक्शन होता है, खोके एक तो पूरा इधर आके पिलर पार्ट आके सोलवा में लग गया, सोलवा का साथ ये लग गया आपका नीचे का क्रॉस, ये 5.5 इंची का होता है, एक क्रॉस होता है, क्रॉस के लगने के बाद इधर क्रॉस इधर तक आ गया, सोलवर में लगा, लग के फिर पिलर से हुआ, मतलब एक तो कंटिन्यूअस हुप हो गया। तो एक कंटिन्यूअस हुप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस बाद हुप है। तो ए इसको सेल्फ सपोर्ट करके कोच को रखते हैं, इसलिए बोला जाता है हमारा ICF कोच जो है ICF कोच सेल्फ सपोर्टिंग। एक ये आपका छोटा मोटा स्ट्रक्चर। अभी जो प्लेट जो है, ये जो बॉडी का जो प्लेट है 2 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर शीट होता है,
रूप में 1.6 मीटर शीट लगते हैं। ये ऑल आर ISM 41 मतलब आपको इसको बोला जाता है कॉटन स्टील से बनता है। उसके बाद इस पर फॉस्फेटिंग भी होता है, फॉस्फेटिंग हम लोग करते हैं। फॉस्फेटिंग करने के बाद इसका पेंट होता है, पेंट होने के बाद हम लोग उसको फिट करते हैं। फिर भी हम लोग का कॉन्वेंशनल कोच में कोरोशन ज़्यादा है। कोरोशन क्यों ज़्यादा है आप देखिएगा, कोई कोई रेल का गाड़ी का कोरोशन कम है, कोई कोई रेल का गाड़ी का कोरोशन ज़्यादा है। ये कोरोशन ज़्यादा है कम है, ये डिफरेंट चीज़ के लिए निर्भर करता है। मेरा जितना इतना दिन में कोरोशन में काम भी किए हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस इट मे बी रॉन्ग और मे बी राइट, बट मेरा एक्सपीरियंस जो लगता है जो कोरोशन होता है इस फॉर डिफरेंट जोन के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए होता है। आवर इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ नॉट सेम इन एवरीवेयर। कोई जगह में सॉल्टी है, आप गंजेटी इधर आ जाइए साउथ ईस्टर्न का देखिएगा, कोई सी का साइड से जाता है तो सॉल्टी वेदर है, कोई वेदर इज वेरी ड्राई एंड इन बंगाल इज वेरी मॉइस्चर इज इन एयर, तो इन डी बिहार इज समथिंग एल्स, इन यूपी इज समथिंग एल्स एंड इन कश्मीर का साइड अभी जो नया लाइन बन गया है, तो इन राजस्थान, इन बॉम्बे, तो इन डिफरेंट लोकेशन, इन साउथ पार्ट ऑल्सो, इन NFL का साइड, तो इन डिफरेंट लोकेशन आवर क्लाइमेटिक कंडीशन इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट, मॉइस्चर कॉन्टेंट इन द एयर इज डिफरेंट, तो इट इज़ वन ऑफ द रीजन कोई कोई जगह का कोरोशन ज़्यादा होता है। एंड एट द सेम टाइम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं, कोच को यूज़ करते हैं, हम लोग का हैबिट, हम लोग का कल्चर, हम लोग का एबिलिटी ट्रेन, सो मेनी थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन दैट। बिकॉज अब देखिएगा कोई जगह में कोई पैसेंजर जानला के सामने बैठा है, उसका सामने चार आदमी खड़ा है जान कोच में। हम लोग का तो इंडियंस वेरी पुअर कंट्री, तो हम लोग का अभी तो सफ़र करने के लिए भी तो ज़्यादा सब जगह में ज़्यादा ट्रेन भी नहीं है। तो कोई कोई जगह में जब कम ट्रेन होता है तो कोई जगह में कोई कॉस्ट करके एक तो जगह मिल गया किसी को, तो ही नॉट वॉन्ट्स टू लीव द प्लेस, बिकॉज अगर उड़ जाएगा तो एक आदमी बैठ गया, तो जनला का सामने जो बैठा हुआ है तो अगर वो थोड़ा पेशाब करने के लिए बाहर में जाएगा तो देखेगा उसका जगह ऑक्यूपाई हो गया। तो समटाइम्स बूझ के जानबूझ के ये लोग क्या करते हैं, तो कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुसा है, भूख लग गया, खाना खाया, उधर जनला में हाथ धो लिया बाहर से, तो जानला में जो हाथ धोआ, पानी जो गया, पानी हम लोग का जानला में स्ट्रक्चर है वो लीक प्रूफ है, लेकिन पानी को लीक प्रूफ करना इनिशियल स्टेज में ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग पीएच, आफ्टर पीएच इज नॉट 100% लीक प्रूफ। तो पानी सीपेज होता ही है, थोड़ा बहुत पानी सीपेज हो गया, उसके बाद रेनी सीजन में पानी घुसा तो साइड से पानी घुस के पैनल के अंदर से नीचे चला गया। आप ये है, हम कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर सवारी का गाड़ी में स्लीपर कोच के लिए बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे पानी इज ए सच ए थिंग, जहाँ पे सीपेज होगा, जम जाएगा, उधर ही कोरोशन करेगा। तो इसका वजह ये देख के हम लोग एक कॉन्वेंशनल कोच का कौन कौन लोकेशन ज़्यादा कोरोशन होता है हम लोग को तो हम लोग बनाया जानता भी है। जैसे दर्जा का दोनों सर पिलर पार्ट जहाँ है, सोल पार्ट जहाँ है, उसमें एकोमोडेशन ऑफ डास्ट भी होता है, उसके साथ अगर पानी आ गया तो वो डास्ट पानी को पकड़ के रखते हैं, वो जगह में सोलवर भी करोशन हो गया, पिलर पार्ट करोशन हो गया। आप स्लीपर इसमें देखिए, PPH में देखिए, जो जो कोच है, कोच का टोल पोर्शन इज वेरी वर्नेबल एरिया। अगर वेंडर जो है, वेंडर का जो वेंडर कोच है तो इंटर ताफलो नीचे का जहाँ खराब होता है। आप जाके देखो पेंटिकर में आपका अगर सफ़र करोगे आपको चौक कान खुला रखना पड़ेगा। देखिए पेंटिकर में जो लोग काम करते हैं ना, ये पानी गंदा पानी हुआ, थोड़ा खाने का चीज़ वो लोग धुआं है पानी से,
वो बाथरूम में नहीं आता, वो जाला से फेंक दिया, हम देखे हैं। मतलब काम कम करने के लिए वो जानता नहीं हो क्या लॉस, वो क्या खर्च कर दिया कुछ, लेकिन इसे हैबिट, वो लोग जो काम करते हैं वो लोग पानी जाला से फेंक दिया। तो किचन पोर्शन ऑफ जो भी ऑफ पेंटी कार पोर्शन ज़्यादा होता है, जो भी हम लोग उसमें पेंटी कार में किचन पोर्शन में बहुत मॉनिटरिंग हम लोग किए हैं, थोड़ा स्लोप कर दिया पानी निकालने के लिए, नीचे में होल करके निकाल देने के करते हैं, होता है पानी निकलता है, फिर भी दिस इज़ वेरी वल्नरेबल एरिया, मतलब जहाँ कॉरोशन ज़्यादा होता है, मतलब पेंटी कोच में किचन पोर्शन में होता है, कॉन्वेंशनल कोच में टॉयलेट पोर्शन में होता है, डोर का साइड में होता है, एंड जानला का सामने पैनल में होता है। आप देखिएगा मैक्सिमम कॉरोशन अप टू विंडो लेवल, विंडो के ऊपर में ज़्यादा कॉरोशन नहीं होता। एक ऊपर में पानी का जो निकलने का जो रहता है उधर थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन ये जो विंडो लेवल तक जो है ये मैक्सिमम इतना तक कॉरोशन होता है। दूसरा है हैबिट ऑफ रिपेयर। हैबिट ऑफ रिपेयर मतलब हम लोग अगर कॉरोशन का प्रॉपर रिपेयर करेगा, इट टेक्स टाइम बट उसमें कॉरोशन कम होगा। अगर कोई प्लेट में कॉरोशन हो गया, बॉडी प्लेट में, हम लोग उसमें ऊपर से उसको पेंट को जला दिया, ऊपर से एक पैच लगा के वेल्डिंग कर दिया, देखने में कुछ नहीं अंदर में है। हम लोग को पता है कॉरोशन इज नथिंग बट ए कैंसर ऑफ मेटल। आपको हाथ में घा है, आप फ्लूल सिप पहन के बैठा हुआ है, आदमी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन घा तो अंदर इंसेंट में है, वो तो हटेगा नहीं। तो यही भी है, अगर हम लोग प्रैक्टिस रिपेयर प्रैक्टिस हम लोग को सही रहेगा तो कॉरोशन हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? जहाँ पे कॉरोशन हुआ है उसका प्रॉपरली डायमेंशन दे के काट के प्लेट लगा के वेल्डिंग करना, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड इंस्पेक्शन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। इंस्पेक्शन ऑफ कोच अगर ठीक रहेगा तो हम लोग का काम भी अच्छा होगा। दूसरा है, एक हमने बोला कॉरोशन इज नथिंग बट ए मेटल कैंसर, ये इनिशियल स्टेज में आपको दिखाई नहीं देगा कॉरोशन, लेकिन आपको देखने का ढंग सही होना चाहिए, काहे एक जगह पेंट फ्लेक हो गया, काहे थोड़ा पेंट को थोड़ा उठ के आ रहा है, मतलब इंसेंट में आपका जंग लग गया इसलिए पेंट छोड़ दिया है। तो अगर वो जगह में प्रॉपरली ब्रश करके ठीक करके कॉरोशन को जंग को हटा के हम लोग टचअप पेंट करके फिर फाइनल पेंट कर देगा, देखने में छोटा है लेकिन हम लोग उसको ओवरलुक कर देते कभी कभी, तो उसमें क्या होता है नेक्स्ट टाइम में जो वो गाएगा वो लोकेशन एंटर लोकेशन कॉरोशन हो जाएगा। हम लोग का व्हाट इज अवर टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है जितना कॉरोशन कम है, यू कैन नॉट मेक इट जीरो, जीरो कॉरोशन होता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करें कोच का मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन करते हैं, मतलब कोच का जो लाइफ है 25 ईयर्स उसका मिड लाइफ में एक तो एग्रेसिव रिपेयर हम लोग करते हैं, जैसे एंटर जहाँ पे शोल्डर वगैरह सब ठीक है जो बॉडी एंड बॉडी साइड बॉडी सब चेंज करके नया कोच बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग का टारगेट है जो मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन है उसको थोड़ा जितना हम लोग घिस तक सकते हैं टूवर्ड्स द कॉन्टिन्यूइंग लिमिट, मतलब मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन मतलब मिड लाइफ ऑफ द कोच दैट इज 25 का 12 साल 10 साल 12 साल, अगर उसको हमने धकल के 16-17 साल तक लेके जाएंगे जे हमारा एक्सटेंसिव कॉरोशन उधर ही होगा तब होगा, इसका पहले नहीं होगा। तो इसको क्या है, इसके लिए पहले वाला आयुज जो है पीएच जो है उसको हमको ठीक से देखना है, प्रॉपर कोच को लिप करके एंटर जो टॉप फ्लोर है नीचे से पूरा चेक करके वो जो पिलर पार्ट का अंदर से टर्न अंडर के नीचे से जो होल है उसमें से टॉर्च दे के एंटर सोलवर को चेकिंग करना, कहाँ डस्ट डर्ट जमा है, कहीं कोई या मॉइस्चर है कि नहीं, ये सब देख के अगर प्रॉपरली कोई जगह पेंट का फ्लेक होता है कि नहीं, पेंट उठ के आ रहा है कि नहीं रहा है। नॉर्मली फास्ट जो पीएच होता है उसमें गाड़ी लाइट हो जाता है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा काम नहीं रहता, लेकिन फास्ट पीएच आईएच वो टाइम में इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम में हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा तो छोटा मोटा अगर चीज आँख में आएगा वो टाइम में ऐसे भी हो सकता है फ्लेकिंग हुआ है, जगह थोड़ा अच्छा करके घिस के एंटीकॉसिव पेंट लगा के फिर पेंट कर देंगे तो जगह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो,
लेकिन अगर वो छोटा मोटा चीज़ है ना, कोई बात नहीं है, छोटा चीज़ है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तब नेक्स्ट टाइम में एंटर पैनल को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एग्रेशन होता है, एग्रेसिव वो करोशन है। जैसे करोशन आदमी का शरीर में फैलता है, ये भी मेटल करोशन है, ये भी फैलता रहेगा। तो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशस। हम लोग जब काम करेंगे तो फर्स्ट पीएच सेकेंड पीएच में आईओसी में जो जो गाड़ी आता है, तो हम लोग को ढंग से वो कोच को देखना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। हम लोग का अगर इंस्पेक्शन ठीक रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का रेल का लॉस भी कम है, प्रॉपर्टी लॉस कम है, साइकिल टाइम कम हो जाएगा। आपको साइकिल टाइम का प्रॉब्लम पता है ना, साइकिल टाइम क्या होता है, जो गाड़ी जो हमारा इसमें आ गया वर्कशॉप में आ गया रिपेयर के लिए, जब आए हैं और कब आए हैं और कब निकल रहा है, इसका एवरेज पूरा कोच का लेके साल भर के उसका डिवाइड करके, डेट डिवाइड करके, ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, नॉर्मली कैलेंडर ईयर भी होता है, करके निकाल के हम लोग को निकलता है। ये कॉन्फिडेंशियल कोच के लिए हम लोग कितना दिन लिए हैं, एसी के लिए कितना दिन लिए हैं, एलएचबी के लिए कितना दिन लिए हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है साइकिल टाइम को कमाना है, घटाना है, सो दैट हम लोग रिपेयर करके गाड़ी को ट्रैफिक के हाथ में दे दें, सो दैट रेल कैन अर्न मनी, जहाँ से हम लोग का तनख्वाह भी मिलता है। तो आवर मोटो शुड बी टू रिड्यूस द साइकिल टाइम। उसके लिए हमको जितना काम एक दिन में एक कोच में कर सकता है साइमल्टेनियसली, जैसे लिफ्टिंग वे में होता है ना, लिफ्टिंग वे में गाड़ी लिफ्ट करके चाका का काम हो गया, बोगी का काम हो गया, नीचे का पेंट का काम हो गया, छोटा मोटा पेंट का काम, इनसाइड का काम भी हो गया, इलेक्ट्रिक का काम भी हो गया, मतलब क्या है, एक दिन के अंदर में हम लोग इतना एक्टिविटी एक कोच का कर लिए हैं। तो जितना हम लोग पैरेलल वर्क एक दिन में कर सकते हैं उतना ही तो हम लोग का टाइम बच जाएगा। तो एक दिन के अंदर में एक कोच में मैक्सिमम क्या क्या काम पैरेलल हो सकता है उसको हमको सोचते हैं। 160 बाई साइड हम लोग को जो हम लोग काम करेंगे रीवर्क नहीं करना है, रीवर्क इज वेरी डेट्रीमेंटल। एक काम करेंगे सही ढंग से करेंगे, सही सीख से करेंगे, माप दे करेंगे, रीवर्क करने मतलब आपका टाइम फील लगा उसमें डेज ज़्यादा लग जाएगा, रिएक्ट करने के टाइम में मन ठीक नहीं रहता है। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग को प्रॉपर ध्यान देके ऐसा काम करना है जो वो उसमें हमको रिएक्ट नहीं करना है। इसके लिए फिटर लोग का इज वेरी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि उसका फिटिंग अंगा सही रहेगा, उसके बाद वेल्डिंग ढंग से होगा, उसका ग्राइंडिंग ठीक से होगा, पुट्टी भी लगेगा देखने में ठीक रहेगा, प्रोफाइल जैसे कोच का प्रोफाइल, जैसे कोच का प्रोफाइल जैसे बीएमएल गाड़ी का स्ट्रेट होता है, लेकिन आईसीएफ आरसीएफ का तो स्ट्रेट नहीं, थोड़ा कार्ब रहता है तो हवा खेलने के लिए कोई कोई जगह में होता है। तो प्रोफाइल हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करके करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, एस्थेटिक व्यू भी अच्छा रहेगा, पेन भी ठीक रहेंगे, काम भी ठीक रहेगा। तो हम लोग को रीवर्क नहीं करना है, तो जो भी काम करेगा वन शॉट दैट शुड बी राइट। वो हम जो करप्शन के बारे में फिर बात कर रहे थे, जैसे पैच वर्क, एक जगह के ऊपर में प्लेट के ऊपर में पैच लगा दिए फिर वेल्डिंग कर दिया, तो हमारा जो वेल्डिंग है एक तो है उसको जो पेंट है पेंट को रिमूव करके प्रॉपरली ड्रेस करके फिर प्लेट लगा के वेल्डिंग करना, एंड दैट वेल्डिंग शुड बी लीक प्रूफ। ये होता है कभी नहीं होता है, प्रैक्टिकली लीक प्रूफ वेल्डिंग होता नहीं है पैनल का। तो वो लीक प्रूफ नहीं होने से वजह से क्या होता है, वो उसमें से पानी घुस जाता है। आप जो भी पुट्टी करो जो भी करो पुट्टी एक टाइम में वो निकल जाता है, लेकिन वो सीपेज छोटा मोटा सीपेज जो रहेगा उसमें से पानी घुस के इनसाइड पैनल भी करप्शन करेगा, ऊपर वो जो पैच लगाया वो भी खराब कर देगा। दूसरा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, हम लोग को कभी कभार हम लोग फोर्स हो जाता है, लेकिन हमारा जो पैनल लगेगा लैप नहीं होगा, ए जॉइंट शुड बी वाट जॉइंट। लैप होने से एक खा जाएगा, उसमें पानी जम के रहेगा, करोशन उधर से होगा। कोई मेंबर हम लोग का ये कोई मेंबर अगर स्ट्रेस में रहेगा तो उसमें स्ट्रेस करोशन होता है। तो 8-10 किस्म का करोशन होता है कुछ में, आपका बायमेटेलिक करोशन हो गया, एमएस का साथ कॉटन
कॉटन का था एसेस, बैटरी बॉक्स का लोकेशन में बैटरी का एसेस का था, वो लोकेशन में पोर्शन। तो इन डिफरेंट कॉरेशन होता है, तो डिफरेंट बायोमेट्रिक में तो मेनली बायोमेट्रिक ज़्यादा होता है। एंड एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, कभी कभी देखा जाता है जो हम लोग का जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर का दो किस्म का होता है, एक रेस टॉप फ्लोर होता है, एक बीच में होता है। बीच वाला टॉप फ्लोर में कभी वेदर इफेक्ट के लिए वर्षा का टाइम में एयर ट्रैप्ड हो गया, एयर ट्रैप्ड होके जो नीचे का जो हमारा टॉप फ्लोर है उसको थोड़ा मॉइस्चर कर दिया, वो मॉइस्चर अंदर इन साइड में जो डस्ट है एक्युमुलेट कर लिया, नीचे का क्रॉस जो है क्रॉस को डैमेज कर देते हैं। बाथरूम लोकेशन में पहले हम लोग क्या था, बाथरूम में हम लोग फ्रेम देके बाथरूम का बना लेते थे, टॉयलेट लेबोरेटरी। लेकिन हम लोग अभी क्या लगाता है, अभी हम लोग लगाता है ऐसे जीने लगा देते हैं। ऐसे जीने लगाने से क्या फ़ायदा है, जो पानी कम से कम ये जो इनर्ट हिस्टॉक जो है, एक हिस्टॉक को कॉम्पोजिट हिस्टॉक को ख़राब नहीं करेगा। एक कॉम्पोजिट हिस्टॉक वीक होने से इज अ वेरी वाइटल जगह कॉम्पोजिट हिस्टॉक। तो कॉम्पोजिट हिस्टॉक वीक होने से क्या होता है, हम लोग का वो यॉक जो है, यॉक का जगह में जॉन्ग होगा, उधर से ड्यू टू पुल जो ड्रॉबार से हम लोग पुल होता है कोच कन्वेंशनल कोच, उसमें वेल्डिंग कट भी सकते हैं। इसलिए कॉम्पोजिट हेडस्टॉक का लोकेशन में, पहले हम लोग का एक ज़माना था कॉम्पोजिट हेडस्टॉक में जो जो पार्ट खराब होता था हम लोग उसको इंडिविजुअल पार्ट को चेंज कर देते थे, थ्री पार्ट बोलते थे ना। आज का अभी ऐसा नहीं है, हम लोग का लीलो वर्कशॉप में हम लोग कॉम्पोजिट हेडस्टॉक एक कॉम्प्लीट एक यूनिट को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका सेफ्टी को माथा में रख के हम लोग एंटर कर देते। उसके बाद हम लोग इंजन लगा देते। हमारा कोई कोई शॉप में ऐसा भी हुआ जो दोनों जो इनर हेडस्टॉक है, इनर हेडस्टॉक के ऊपर में अगर हम लोग ने 5 मिलीमीटर प्लेट लगा दिया तो हम देखे हैं इनसाइड का जो 12 मिलीमीटर सेंटर प्लेट है उसमें कोई जंग नहीं है, कोई पानी नहीं है, एंटर इज गुड। ये भी कर सकते हम लोग, एवं इंजन लगा के बाथरूम बना दिए तो दैट पोर्शन पानी ज़्यादा नहीं लगा, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, पोर्शन कम होगा, और दैट पोर्शन इज वेरी वल्नरेबल पोर्शन, बाथरूम पोर्शन एंड डोर दोनों तरफ सोल बार एंड पिलर पार्ट जो भी है कॉरोनेट ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग का कॉन्वेंशनल कोच का विंडो, डोर का लोकेशन, लेबोरेटरी एंड डोरवे, ए लोकेशन में हम लोग का, एंड रूप में ज़्यादा कॉरोशन नहीं होता है, पानी निकल जाता है। रूप का साथ जो जहाँ पे बॉडी पैनल लगा है उसमें वाटर एगल बोला जाता है, वो जगह में थोड़ा 1-2 इंची मतलब 50 मिलीमीटर करीब थोड़ा हल्का कॉरोशन होता है, वो भी प्रॉपरली टाइम में हम लोग नोटिस करेगा, वो भी घिसा के ठीक कर देगा तो उतने भी नहीं होगा। मैक्सिमम विंडो हाइट तक हम लोग का कॉरोशन होता है कोच में, और सोलवर भी जहाँ जहाँ लोकस मैंने बोला उसमें भी होता है। ये है आपका कॉरोशन, ये है आपका कॉरोशन का काम। ये छोड़ के और ये हम लोग टाफ्लोर को एसएस बना दिए, सील टाफ्लोर लगा दिया, पहले एमएस होता था, अभी टाफ्लोर भी कॉरोशन कम हो गया। तो ये है हमारा छोटा मोटा कॉरोशन का, ये कॉन्वेंशनल कोच का। आज का जो हम लोग का आज का जो लेक्चर है ये हम लोग 3 सेगमेंट से भाग किए हैं। आप वीडियो को ठीक से देखिए, देखने के बाद हम जितना भी पढ़ाया उसके ऊपर में 5 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग 5 क्वेश्चन में भाग लो, एक दफ़ा दो दफ़ा वीडियो को पढ़ो देखो, उसको देखने के बाद वो आंसर करने का ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, दुविधा है, हम तो हैं BTC में। अभी कोरोना का टाइम में हम लोग का आमने सामने बैठ के क्लास इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सामने देखने से आपको इसको ज़्यादा अच्छा लगता। हमारा कोरोना का पहले जितने स्टूडेंट लोग आते थे हम लोग कम से कम ये सब चीज़ को मॉडल देख के क्लास में लेके हम लोग उस लोग को पढ़ाया। तो फिर भी होप कोरोना जल्दी चला जाएगा, तो टाइम में अगर आप लोग रहोगे तो आमने सामने बैठ के सब बात भी करेंगे, दिखा भी देंगे, कोई दुविधा होगा तो पूछेंगे। मेरा फ़ोन 24 आवर्स खोला है, रेल का दिया हुआ फ़ोन आप लोगों के लिए, जिसका जो मर्जी है जो टाइम में मैं फ़ोन में फ़ोन करूँ,
अगर कोई प्रॉब्लम है पूछो, आई एम रेडी टू गिव द आंसर। 24 hours into 7 मेरा फ़ोन खुला है, कोई दुविधा होना नहीं चाहिए, कोई डरने का बात नहीं है कि सर अभी फ़ोन करेगा सर कुछ बोल देगा, नहीं, आपको जब मर्जी मेरे को संपर्क करना, आई एम रेडी टू गिव यू। जितना हमको जानकारी है हम तुमको देंगे, हमको पूरा जानकारी नहीं है, जितना हम सीखे छोटा मोटा आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आज कम कॉरोशन एंड एंटी टेलीस्कोप के बारे में इतना ही है, इसमें बहुत बोला जाएगा, लेकिन तुम लोग का अभी तो जस्ट घुसे हो रेल में, काम जब करते रहोगे तब डे टू डे आप लोग सीखोगे। बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिव नहीं होना, कभी नहीं बोलना जो हमसे नहीं होगा, ये ट्राई हमारा, हम जितना दिन काम किए कभी हमने हमारा हायर ऑफिस का ना नहीं बोला। दिस वुड बी द मोटो, बी ऑलवेज पॉजिटिव, से यस सर आई एम ट्राइंग। देखो अगर नहीं होगा तो बोलो सर कोशिश किए तो हो नहीं पाए, पति तक हुआ है, सर भी समझेगा, लेकिन ऑलवेज डोंट से नो। नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव देखो, नेगेटिव न्यूज़ भी आता है ना कभी कभी टीवी में, हमको खराब लगता है, नेगेटिव न्यूज़ मत देखो, बी ऑलवेज पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ उतना अच्छा रहेगा, हंसी खुशी में रहो, पॉजिटिव रहो, ना मत बोलो, नेवर से नो। रेल में काम जितना दिन करेगा नो मत बोलो, ट्राई करो, सर ट्राई कर रहा है। अगर साहब भी कभी कभार, साहब भी प्रेशर में है, सब प्रेशर में है, सब ऊपर से प्रेशर आता है, लेकिन कभी कभार साहब भी ऐसा बोल देते हैं जे एक कभी कभी असंभव लगता है, तो डोंट से सर नो डायरेक्टली, से सर हम ट्राई करते हैं, जितना तक होता है करते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आज हम तुमको 5 questions पूछेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा इंटरेक्शन के बाद बोलते हैं, 5 questions का आंसर ट्राई करो, ठीक है। आज तक इतना, थैंक यू।